वापस आए थे हम इसी हॉस्पिटल भुवनेश्वर के, देख सकते हो एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट भंजार में। और क्या है ना, आके भी कोई फायदा नहीं रहा, भले ही गवर्नमेंट है मतलब भले ही पैसा तो कम लिया कोई बात नहीं, पर ना बोर्ड बता रहे हैं कि आग पूरा तरीके से डैमेज हो गया है पूरा तरह से, और शायद रिकवर हो पाएगा फिर नहीं क्या पता। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग खुशी हो ठीक ही हो। दोस्तों आज का ब्लॉग ये है कि अपना जो भंजा देख रहे हो, भंजा की आँख में बम फोड़ा तो लग गया था आँख में, मतलब एक दिन बारात गए थे तो बारात में बम फोटा है थोड़े वो लोग, तो उस वो आँख पर आँख में लग गया, तो वो एक आँख डैमेज होने वाला है, मतलब ठीक से नहीं दिख रहा है। इसलिए हम आए हैं भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी, देख सकते हो ये भुवनेश्वर का बड़ा मुंडा स्टेशन बस स्टैंड बहुत बड़ा है भाई, क्या करूँ पर आप ठीक से दिखा नहीं सकता हूँ, फिर भी दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये है बड़ा मुंडा का बस स्टैंड, बहुत बड़ा बस स्टैंड है भाई, और लोग देख सकते हो सर्च करके कहीं पर भी बहुत बड़ा, लेकिन इसमें तो वन साइड ही दिख रहा है ऐसा। तो आज मैं आया हूँ अपना उड़ीसा का कैपिटल कहते हैं जो भुवनेश्वर राजधानी जो कहते हैं, वहाँ हॉस्पिटल चेकअप करवाने एलबी प्रसाद के पास आए हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते रहे बने रहे, बहुत खसा होने वाला है, बहुत अच्छा भी होने वाला है। क्या है ना, नया जगह दिखाऊंगा, नया कुछ दिखाऊंगा, नया हॉस्पिटल दिखाऊंगा, आप लोग से शेयर भी कराऊंगा। तो बस अभी तो सुबह हुआ है, सुबह उतरे हम आए कहाँ से पता है, अपने घर को तो पता है, आप लोग को तो पता होगा अपने घर। तो अब मेरे घर से हम निकले कल 10 मतलब कितना 11:30 बजे, 11:30 बजे निकलने के बाद हम आए मतलब ट्रेन में आए टिटलागढ़ से, ट्रेन में आए सीधा कहाँ गुड़भगा जो कहते हैं समलपुर बॉर्डर के पास, वहाँ भंजा रहते हैं काम करते हैं वहाँ, तो वहाँ आए। वहाँ आने के बाद वहाँ खाना वाना खा के स्लीपर बस चढ़े हम, वो सब बैलून बस करके एक है वो स्लीपर बस चढ़े सीधा बर्गर समझ लो, वहाँ से 10 बजे छोड़े तो इधर आ गया 6 बजे पहुँचे। तो दोस्तों जिस वक्त आए हम ट्रेन से तो आए गुड़भगा, गुड़भगा से टक्कर बोलते हैं जो ऐसे गाड़ी में जाते, इतना पूरा भीड़ होके जाते इस हालत में देखो। तो ठीक है उसी तरह से आए भंजा जहाँ रहते हैं वहाँ, और फिर वहाँ से बस में जा रहे स्लीपर बस में सीधा भुवनेश्वर, इस तरह से जाना पड़ा। 6 बजे पहुँचने के बाद हम सीधा भी गए थे बाथरूम फ्रेश व्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के फाइनल निकल चुके हैं हम, अभी और एक बस करके जाएंगे, 2-3 स्टॉपेज जाना पड़ेगा वहाँ जाने के तक। तो देखते रहे दोस्तों, बहुत खास होने वाला है, नया जगह आप लोग को दिखाऊंगा, स्मार्ट सिटी जो कहते हैं वहाँ का जगह आप लोग को दिखाऊंगा। तो बने रहे भाई, अगर नया हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, लेकिन और एक बात, किस तरह हम आए जो रहने का जगह का ऑटो मिल गए हैं भाई साहब, ले जाएंगे हमें वहाँ हॉस्पिटल छोड़ने के लिए भाई साहब, ऑटो में बस में जाएंगे सोच रहे थे, पर नया करके आए तो सीधा हम जाएंगे वहाँ ही, चलो इसी ऑटो में बैठेंगे सीधा। नया करके जब आए पहली बार तो भाई सीधा जाना सही रहेगा, रहा है दोस्तों ओके। देख सकते हो हम फाइनली पहुंच चुके हैं एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, जहां भंजा को ये करवाना मतलब भंजा के आगे टेस्ट करवाना है। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं सीधा एलबी प्रसाद इंस्टीट्यूट आई हॉस्पिटल, जहां भंजा का चेकअप करवाना है। इसके लिए यार कितने दूर से आना पड़ा पता है, अपने तो डिस्ट्रिक्ट कलाहंडी है, पर हम आए हैं अपना जो कैपिटल राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ भुवनेश्वर में है ये हॉस्पिटल। फाइनली अभी तो मतलब 7 बजे खोलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं आगे जाके भीड़ है या खाली है किस तरह है। पूरा आपका यही का सीन दिखा रहा हूँ, बहुत खासियत लग रहा है यार देखने में, बहुत झांसू है पूरा जहाँ मतलब बैकग्राउंड वगैरह ये सब सीन वीन जो गार्डन में सब बनाया गया है। ओह बस देखते रहे बने रहे, बहुत मज़ा होने वाला है शायद, अरे यही का जो भी नया नया कुछ आप लोग को दिखाता रहूँगा, बस देखते रहे। अरे भाई हाँ, लाइव भी करते रहिएगा ओके। दोस्तों अभी सुबह सुबह हुआ है ना, तो देखो तो झपसा जैसा हुआ है मौसम, अंदर तो आ चुके हैं लेकिन। तो ये पेपर जो ट्रांसफर होके आए हैं जो बुरला संबलपुर बुरला से, वो पेपर दिखा के पूछे हाँ, तो ये लोग पंजीकरण करवाने के लिए बोले हैं, तो जा रहे हैं पंजीकरण करवाने के लिए। यह है एलबी प्रसाद इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, इधर पंजीकरण कराएंगे। क्लीन नहीं है यार मौसम, थोड़ा ये है ना इसलिए क्लीन नहीं है। कई जगह पर मना किया गया है शूटिंग करना, फोटो वोटो निकलना, तो इसलिए बराबर से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा हूँ। तो फिलहाल हम पंजीकरण करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, देख सकते हो ये फॉर्म, वो तो पहले हम फॉर्म भर चुके हैं वहाँ, ये वोटिंग हॉल है, ये क्या देख सकते हो सब वोटिंग में है।
उसके बाद आप हम लोग को टुकन मिला है 10 नंबर और चालू है अभी 4 नंबर, देख सकते हो। ये तभी हम लोग यहाँ पे बैठे वाटिंग हॉल में इंतजार किए हुए हैं, जाने के बाद ना कैमरा का अलाउ नहीं है, मोबाइल का ये कैमरा वाला फोटो तो वीडियो बनाने का अलाउ तो नहीं है, तो बाहर बाहर से आप लोग को जितना होता है उतना दिखाऊंगा आपको। तो बस देखते रहे, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, इसलिए मतलब अंदर तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए बाहर निकला हूँ ताकि बाहर का नज़ारा कुछ दिखा। पर क्या है ना, झपसा जैसा आया तो क्लिप में नहीं दिख रहा है ठीक से, मैं दिख रहा हूँ आप लोग को कि इस एरिया से किधर कैसा दिखता है, जितना हो सके उतना दिखाऊंगा आप लोग को, बस देखते रहे। वेटिंग हॉल जहाँ हम बैठे थे, पंजीकरण जहाँ किए हम, वो सामने आगे सीधा जाएंगे, सीधा जो हॉस्पिटल है ना गेट, मेन गेट वहाँ जाएंगे सीधा हॉस्पिटल टोकन बनाने के बाद, यही इस एरिया का। ये है बाइक पार्किंग एरिया और हॉस्पिटल देख सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है यार, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, फर्स्ट टाइम स्मार्ट सिटी आए हैं भुवनेश्वर, वहाँ पे भी ये हॉस्पिटल एलबी प्रसाद के पास, तो बहुत अच्छा बनाया गया है, चारों ओर पूरा गार्डन जैसा सजा गया है, देख सकते हो ये सब बेस्ट लग रहा है देखने में। तो यहाँ आने के लिए कहीं बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं सब लोग, हम भी आए हैं कहीं कलाहंडी से सीधा भुवनेश्वर, वो दिख रहा हूँ थोड़ा यहाँ का नज़ारा ठीक से। बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है हॉस्पिटल को, बनाया गया है यार, बहुत बड़ा भी है साथ में बहुत अच्छा भी है, ये हॉस्पिटल देखने पर ढांसू लग रहा है यार सही में। ये है एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, पर क्या है ना मौसम थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा होगा देखने में, है ना, क्या करो, अभी तो सुबह हुआ है ना, बहुत लोग जमे हुए नहीं है, कम लोग है, जबकि हम लोग का ही नंबर 10 था तो बाकी लोग का कैसा होगा। सुबह हुआ अभी तो लोग आदमी सब आने वाले हैं, आने के बाद ना भीड़ होंगे तब ना, तो भीड़ होते होते तो हम लोग निकल जाएंगे सीधा ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली आप हम लोग का टोकन नंबर 10 का नंबर तो आ गया है, तो अंदर जा रहे हैं अंदर। तो डेयर दोस्तों इसमें ना रोगी के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, तो हम लोग को भी भेजा गया है यहाँ, मतलब 8 नंबर में वेटिंग किए हुए हैं, तो इसमें है इस तरह वेटिंग है। यह है ऊपर फर्स्ट फ्लोर का 8 नंबर पे हम वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग में अभी जो जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अभी से शुरू चेकअप करवाने का, तो गाइस आप देख सकते हो कि इधर हम लोग आए थे भांजा चेकअप करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए बुलाए थे, चेकअप तो किए साथ आप तो देखे हो चेकअप करने का, तो उस दो तीन चेकअप किए हैं, फिर एक जब हाथ में लगा के बताए हैं कि 1 घंटे के बाद बुलाएंगे, अभी जाओ वहाँ रुको वेटिंग हॉल में रुको, 1 घंटे के बाद बुलाएंगे ऐसा, 1 घंटे के बाद फिर जाएंगे थोड़ा वेटिंग में, फिर आगे क्या क्या होता है देखते हैं। क्या ना कैमरा हेलो नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा छुप छुप के समझा रहा हूँ क्या करूँ। तो टाइम भी है 1 घंटा ना, इसीलिए थोड़ा नाश्ता करने गया था, नाश्ता से अभी अंदर एंट्री कर रहा हूँ। ये अंदर का सीन है जहाँ मेन लोबी जैसा ही समझ लो, ये वहाँ का सीन है, और ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, फिर जहाँ हम वेटिंग किए हैं वहाँ जा रहे हैं। ये अभी अकेले गया था, ये वहाँ का, ये सामने का दोस्त, फिर सभी एक बार बुलाए हैं तो जाके देखते हैं। अभी से दूसरा चेकअप चालू है, जा रहे हैं बाहर खड़े हैं, अंदर आदमी लोग हैं तभी बाहर वेटिंग में है, इसके बाद चालू हो गया भांजा का चेकअप। लोग सब घूम खा जा रहे हैं यार चेकअप करके, ऐसे 3-4 चेकअप तो हो गया है क्या ना, 15 दिन का लेट हो गया ना, बुरला वाले लेट कर दिए। हाँ अभी हम देने आ रहे हैं, मैडम मुखिया बता रहे हैं और कितना टेस्ट, फिर और टेस्ट, तो बुरला वाले लेट कर देना, उनके वजह से ही इधर मुश्किल हो रहा है, वरना आराम से जल्दी हो जाता है, 15 दिन का लेट में तो भाई ब्लड कितना भी जम जाओ हो जाएगा, है ना, देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या आता है, वरना क्या होगा क्या पता। हेलो गाइस फाइनली ख़त्म हो गया है, मतलब काम तो ख़त्म नहीं हुआ, आगे आप लोगों को बताता हूँ, नीचे जाके बाहर जाके, और हम बाहर अंदर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं अभी,
मैं दोस्तों बता रहा हूँ आप लोगों को डिटेल्स क्या क्या हुआ है। बहुत मुश्किल, बहुत चिंता की बात है यार, क्या बताएं गाइस, क्या बताओ यार। एक्चुअल खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ, बस इसमें इस इतने बड़े हॉस्पिटल में, शायद सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट है, इतने बड़े हॉस्पिटल में बस 51 रुपीज थी खर्चा हुआ, ज़्यादा नहीं। लेकिन आने जाने में खर्चा में जो बस में आए, जो नाश्ता वास्ता किए, ऐसे में बस 2000 तक खर्चा हुआ है। तो बात यह है कि पैसे को बात नहीं है, तो हम तो 50-60 हज़ार लेके आए थे यार। तो बात यह नहीं कि पैसों का, बात यह है कि भांजा का आँख जो है ना, अब तो देखे हो ना कितने मशीन में चेक किया गया है, तो भांजा का आँख मतलब पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बोल रहे हैं कि पर्दा जो कहते हैं, जो जो मेन चीज़ जो दिखता है, वो चीज़ फूट गया है। मतलब जो मार के बजे जो बम लग गया था आँख में, उसके वजह से फूट गया है। मतलब तो फूटने के बाद वो क्या पता रिकवरी हो पाएगा फिर, नहीं डाउट है। मेडिसिन तो दिए हैं, मेडिसिन देने के बाद फिर 15 दिन के बाद आने के लिए बोले हैं। 15 दिन के बाद आएंगे, हाँ तो 15 दिन के बाद आएंगे, तो तभी ही क्या पता, शायद अगर होता है तो ऑपरेशन होगा, वरना नहीं यार। तो चलो अभी वो वापस जा रहे हैं, क्या करेंगे यार, नसीब की बात है। भांजा की सेल्फी रहता, ये देखो नहीं जा, देखने में तो आँख पूरा बराबर ही दिख रहा है। देख सकते हो ना, देखने में आँख नेचुरल लग रहा है, पर अंदर से ब्लड जमा गया है। तो ऐसे में ही क्या बताएं भाई, वापस जा रहे हैं, बेकार हो गया। इस तरह रहा हॉस्पिटल तो शायद देखे हो, जितना भी हुआ उतना तो आप लोगों को बाहर देख चुके, दिखाया हूँ मैं, ये मेन गेट बाहर निकल रहे हैं, और बाकी गार्डन तो है उधर, पर नहीं गया हम लोग। आप लोग सर्च करके देख सकते हो, बहुत अच्छा है ये हॉस्पिटल। तो गाइस आए थे हम इसी हॉस्पिटल भुवनेश्वर के, देख सकते हो LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट भंजार में। पर क्या है ना, आके भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, भले ही गवर्नमेंट है, मतलब भले ही पैसा तो कम लिया, कोई बात नहीं, पर ना बोर्ड बता रहे हैं कि आँख पूरा तरीके से डैमेज हो गया है पूरा तरह से, और शायद रिकवरी हो पाएगा फिर, नहीं क्या पता। राइट आँख बम लगने की वजह से फूट गया है। तो अभी वापस जा रहे, देखते हैं 15 दिन के बाद क्या होता है कंडीशन, और ना बन जाएगा ज़िंदगी तो बर्बाद, ऐसा ही समझ लो यार। एक आँख में देखने का, और अब बाकी एक आँख में कितना होता है ना। बस तो आए थे हॉस्पिटल, आप लोग देखते रहे देखते रहे। इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया हूँ मैं। तो गाइस इस तरह हम आए थे इस हॉस्पिटल, आप लोगों को तो दिखाया हूँ जितना हो सका उतना, भांजा तो है बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का सीन भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह रहा आज का ब्लॉग में दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो पर, दूसरा ब्लॉग पर। आज के लिए मैं इतने में विदा लेता हूँ दोस्तों, खुशी से रहिएगा, ठीक से रहिएगा, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो पर। ओके गाइस, बाय।